जो मूसा के द्वारा बनाया गया था तंबू, उसके अंदर भी 7 सोने की डिब्बे थी, और जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया उसमें भी सोने की 7 डिब्बे थी। आखिर इनका रहस्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 भागों में से दूसरे भाग के बारे में हम बात कर रहे हैं, 7 कलीसियाओं के नाम पत्र। पिछले संदेश में हमने सीखा था प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 10 और 11 पद में, 10 पद के तीसरे जो भाग है उसमें सीखा था तुरी का सा बड़ा शब्द जो है वो सुनाई दिया है, और जो देखता है, और पुस्तक के बारे में सीखा था कि पुस्तक के बारे में किस तरीके से लिखाया है, और 7 कलीसियाओं का संक्षिप्त मतलब छोटा सा विवरण जो था, वो परिचय जो था वो दिया गया था, उसके बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 12 और 13 पद से। जी हाँ, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है, 12वां पद पढ़ रहा हूं मैं। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा, और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 13वां पद है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। क्या यहां पर जो है हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन किस तरीके से हमसे बातचीत करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 12वें पद में। वहां क्या कहता है कि जो तुरी का सा बड़ा शब्द जब उसने सुना तो उसने अपने पीछे मुड़कर देखा, क्योंकि पीछे से वो शब्द जो था वो सुनाई दे रहा था, और उसने उस बड़े शब्द को जो है उसने सुना और देखा। जब उसने देखा तो क्या देखता है वो, कि यहां परमेश्वर का वचन बताता है जो उससे बोल रहा था देखने के लिए जब उसने अपना मुंह फेरा और पीछे घूमकर देखा तो उसे क्या चीज दिखाई दी, सोने की 7 दीवटें दिखाई दी। देखिए अभी तक हम जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ते चले आ रहे हैं सोने की 7 दीवटों के बारे में, इस दीवटों के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है, और अभी ये दीवटों की कहानी यही खत्म नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आखिर ये दीवट जो है वो महापवित्र स्थान में जो मूसा के द्वारा बनाया गया था तंबू, उसके अंदर भी 7 सोने की डिब्बे थी, और जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया उसमें भी सोने की 7 डिब्बे थी। आखिर इनका रहस्य क्या है, और ये महापवित्र स्थान में या पवित्र स्थान में या जो तंबू का मंदिर बनाया गया था या सुलेमान के द्वारा जो मंदिर बनाया गया था उस मंदिर में ही क्यों रखा गया है, ये रहस्य जो है ये रहस्य है, ये अभी नहीं खुलेगा। जब हम बात करेंगे 7 कलीसियाओं के बारे में पूर्ण रूप से, जब बात करेंगे एक एक कलीसिया के बारे में बात करेंगे, तब ये रहस्य जो है प्रकट होगा। जी हाँ, अभी जो है इस रहस्य पर पर्दा ही पड़े रहने दीजिए, क्योंकि आगे जो है इस रहस्य को खोला जाएगा कि आखिर ये क्या बात है, क्यों सोने की दीवटें जो हैं बार बार दिखाई दे जा रही हैं, और ये सोने की 7 दीवटें जो हैं ये 7 कलीसियाएं हैं। जी हाँ, जो 7 कलीसियाएं, जो एशिया की 7 कलीसियाएं जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, कई बार चर्चा की है, चाहे थोड़ी बहुत करी हो या बहुत करी हो, मगर बार बार जो है ये 7 कलीसियाओं, क्योंकि 7 कलीसियाओं की चर्चा तब तक होती रहेगी जब तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 2 अध्याय और 3 अध्याय पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप बने रहिए इसके साथ। और यहां लिखा ये जो 7 दीप्ते हैं ये स्वर्ग में जो परमेश्वर का मंदिर है ये उस मंदिर के नमूना है, यानी उसकी कार्बन कॉपी कह लीजिए या नमूना कह लीजिए उसका है जो प्रकाशित वाक्य में है। और ये 7 दीप्ते जो हैं ये प्रकाशित वाक्य के भेदों को खोलती हैं। जब आप प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 20 पद पढ़ेंगे तो वहां वहां पर भी लिखा हुआ है। जी मैं पढ़ देता हूं प्रकाशित वाक्य 1 का 20। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7ों कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। देखिए ये 7 कलीसियाओं को कहां उसकी स्थापना हुई है, कहां प्रकट किया जा रहा है, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जो तंबू में बनाया गया, जो स्वर्ग में है, और जो सुलेमान के द्वारा बनाया गया, इन तीनों जगहों में वो 7 दीवटें जो हैं वो दिखाई दे रही हैं, यानी 7 चर्चेस जो है वो वहां दिखाई दे रहे हैं। चलिए इसके बारे में सीखेंगे आगे जाकर, परंतु अभी हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 13वें पद में। जी हाँ, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 13वें पद को जरा फिर से हम पढ़ देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है,
और उन दूतों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। अब सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिएगा, पहला जो यहां पर पॉइंट है, यहां पर पहला पॉइंट है दूतों के बीच में। अब दूसरा पॉइंट है मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा। तीसरा है जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था, ठीक है, और चौथा है छाती पर सोने का पटुका बांधे था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दूतों के बीच में। अब यहां पर जो है, जैसा अभी हमने प्रकाशित वाक्य एक अध्याय उसका 20 पद में पढ़ा, उसके हाथ में जो है, दाहिने हाथ में जो है सात तारे हैं और सात दीवट के बीच में जो फिर रहा है, सात दूतों के बीच में है। ये जो है, ये सात दीवट जो है, ये सात कलीसियाओं के, यानी प्रभु यीशु मसीह का जो रूप है, जो प्रभु, ये यहां पर लिखा ना मनुष्य के पुत्र के सदृश पुरुष को देखा। तो अभी हम पढ़ेंगे मनुष्य के पुत्र किसको कहा गया है, मगर ये मनुष्य का पुत्र जो है वो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है जो सात दीप्तों के बीच में फिरता है। जी हाँ, हम जरा इसके दूसरे पॉइंट को भी देख लेंगे। मनुष्य के पुत्र के सदृश एक पुरुष को देखा, फिर आपको पता चलेगा ये सात कलीसियाओं के बीच में क्यों है। पहले हम इसको देख लेते हैं। यहां पर जो है मनुष्य का पुत्र जो है, पुरुष और पुरुष दोनों शब्द का प्रयोग जो है वो सिर्फ यीशु मसीह के लिए किया गया है। सबसे पहले हम पुरुष के बारे में जब हम बात करते हैं तो दूसरा कुरंतियों 11 अध्याय उसका 2 पद। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुआरी के समान मसीह को सौंप दूं। देखिए यहां पर क्या कह रहा है, वो कहता है, पौलुस कहता है मैं ईश्वरीय धुन लगाए हूं। किसके बारे में? मसीही लोगों के बारे में। और कहता है कि मैं ईश्वरीय धुन लगाए हूं और मैं एक ऐसे विषय के बारे में सोच रहा है कि हमारा जो विवाह है, हमारी जो बात है, देखिए बात किससे लगाई जाती है कि पवित्र कुआरी के नाई तुम्हें सौंप दूं। बात जो है किसी लड़की की बात किसी पुरुष से लगाई जाती है कि उस पुरुष के हाथ में तुम्हें क्या कर दूं, सौंप दूं। और वो किसके बारे में बताता है, एंड में कहता है कि तुम्हें पवित्र कुआरी के समान मसीह को सौंप दूं, मसीह के हाथ में। वो पुरुष कौन है? यहां पर वो क्लियर करता है कि वो पुरुष जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। पौलुस जो है इस बात को कहता है। और मनुष्य का पुत्र भी, आप पवित्र शास्त्र में विशेष तौर से जब आप नए नियम को पढ़ेंगे तो कई बार उसको मनुष्य का पुत्र भी कहा गया है। और प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है कि मनुष्य का पुत्र जो है बादलों पर आएगा, मनुष्य का पुत्र जो है वो दोबारा आएगा, मनुष्य का पुत्र जो है वो गाड़ा जाएगा, मनुष्य का पुत्र जो है वो मारा जाएगा। वो सब कुछ अपने विषय में इस बात को कहता है। कुल कहने का मतलब है कि मनुष्य का जो पुत्र है वो प्रभु यीशु मसीह है। यहां पर जब आप उत्पत्ति 2:7-8-15-25 पद तक पढ़ेंगे तो यहां पर जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तो वहां पर आदम शब्द का प्रयोग किया गया, जो पहला प्रथम मनुष्य जो बनाया गया था वो आदम को बनाया गया। जी हाँ, आदम को जब बनाया गया तो उसका नाम आदम रखा। आदम का मतलब होता है मनुष्य। आदम का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है मनुष्य। जब आप जो मैंने आपको पद दिए हैं उत्पत्ति 2:7-8-15-25 तक जब आप पढ़ेंगे तो आदम शब्द लिखा हुआ है और आदम शब्द के ऊपर स्टार बना होगा और उस स्टार को जब आप नीचे बिल्कुल बाइबल के नीचे देखेंगे तो वहां पर आदम का अर्थ दिया होगा मनुष्य। जी हाँ, तो यहां पर जो है मनुष्य है। और परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर के वचन में दो आदम की बात होती है। जी हाँ, कौन से दो आदम की बात होती है, ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको क्लियर कर लें, आदम जो है किसके बारे में कहा जा रहा है। जी, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं पहला कुरंथियों 15:44-49 पद तक। स्वाभाविक देह बोई जाती है और आत्मिक देह जी उठती है, जबकि स्वाभाविक देह है तो आत्मिक देह भी है। ऐसा ही लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य अर्थात आदम जीवित प्राणी बना और अंतिम आदम, देखिए अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। परंतु पहले आत्मिक ना था पर स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसा हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। जी हाँ, यहां पर देखिए बहुत सी बातें जो हैं परमेश्वर के वचन से दी गई हैं, बहुत सी बातें। सबसे पहली बात क्या दी गई है, दो आदम की बात। जैसे मैंने कहा दो आदम की बात करता है, प्रथम आदम और अंतिम आदम।
प्रथम आदम जो था, जिससे जो मिट्टी का बना, जिससे सारे लोग, सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है। जी हाँ, सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई है, और वो सारे मनुष्य जो हैं वो मिट्टी से है, मिट्टी से बने हैं, और जब वो मर जाते हैं तो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। परंतु जब दूसरे आदम की बात करते हैं कि दूसरा आदम जो था वो स्वर्गीय था, उसका स्वर्गीय रूप था, और वो अंतिम मनुष्य की बात करते हैं, अंतिम आदम की बात करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के लिए है कि जैसे वो स्वर्गीय था। देखिए, हमने इस संसारिक मनुष्य का जो मिट्टी से बना उसका रूप धारण करा, ऐसे ही हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गीय है उसका रूप धारण करेंगे। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें किसके लिए बताई जा रही हैं? प्रभु यीशु मसीह के लिए बताई जा रही। मैं आपको बताना चाहता हूं, डैनियल 3 अध्याय जब 24 से 25 पद तक पढ़ेंगे आप, डैनियल 3 अध्याय 24 से 25 पद तक, वहां पर जो है डैनियल के 3 दोस्तों को आग के भट्टे में डाला गया नबुकदनेस्सर राजा के द्वारा। जी हाँ, नबुकदनेस्सर राजा के द्वारा डैनियल के 3 दोस्तों को, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के भट्टे में डाला गया। जब इनको आग के भट्टे में डाला गया तो परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब वो आग में डाले गए तो वहां पर वो 3 नहीं बल्कि 4 मनुष्य थे, और नबुकदनेस्सर राजा देखता है और इस बात की गवाही देता है सबके सामने कि हमने 3 मनुष्य डाले, परंतु चौथा जो मनुष्य है वो परमेश्वर के यानी ईश्वर के पुत्र के सादृश्य दिखाई दे रहा है, वो परमेश्वर के पुत्र के सादृश्य दिखाई दे रहा है, या परमेश्वर के पुत्र की तरह दिखाई दे रहा है। यहां पर जो है वो प्रभु यीशु मसीह का रूप जो है नबुकदनेस्सर राजा उन डैनियल के 3 दोस्तों के साथ देख रहा है। जब उनको निकालता है तो वो बीच में बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनके साथ क्या कर रहा है? उनके साथ टहल रहा है, उनके साथ घूम रहा है, और नबुकदनेस्सर इस बात की गवाही देता है। फिर डैनियल क्या, डैनियल भी देखिए एक सपना देखता है रात में, डैनियल 7 अध्याय जब 13 पद पढ़ेंगे कि डैनियल एक सपना देखता है कि रात में उसने एक स्वप्न देखा, और क्या देखा? मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वे उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे समीप लाए। यानी अब डैनियल जो है वो क्या देख रहा है कि देखो मैंने एक सपना देखा कि मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों पर आ रहा है। यानी यह अब बादलों पर कौन आने वाला है? सब इस बात को जानते हैं कि बादलों पर यीशु मसीह जो है अपने दूसरे आगमन में बादलों पर आने वाला है, बादलों के साथ आने वाला है, और ये यीशु मसीह का ही स्वप्न जो है वो डैनियल ने भी देखा। तो कुल कहने का मतलब है कि मनुष्य का पुत्र के सदृश जो है वो देख रहा है। अब यहां पर जो है जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ते हैं कि उसने जब घूम कर देखा तो 7 कलीसियाओं के बीच में जो है प्रभु यीशु मसीह को घूमते हुए देखा। देखिए ये क्लियर हो गया ना कि मनुष्य का सादृश था कोई देखा, तो वो मनुष्य के समान दिखने वाला कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह उन 7 कलीसियाओं के माध्यम में है। अब ये 7 कलीसियाएं जो है ये 7 समय काल है। जी हाँ, ये समय काल है, और हर एक काल में प्रभु यीशु मसीह का अलग अलग रूप दिखाया गया। जब हम 7 चर्चेस की बात करेंगे ये वहां देखने को मिलेगा, और आगे हम सीखेंगे इस बात को कि यीशु मसीह के जो विवरण दिया गया है, यीशु मसीह का जो परिचय दिया गया है, 7 कलीसियाएं का जो समय काल है, हर समय में जो है अलग अलग उसका रूप दिया गया है, उसका भी अर्थ है, उसके भी भेद है कि आखिर क्यों अलग अलग चीजें अलग अलग समय में प्रकट की जा रही। ये 7 कलीसियाएं जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये 7 कलीसियाएं ये कलीसियाओं के का आधार नहीं है, बल्कि उस समय जो है पौलुस के समय में, मैंने पहले भी बताया, लगभग 40 और 45 इन 7 कलीसियाओं को मिलाकर चर्च स्थापित हो चुके थे, कलीसियाएं स्थापित हो चुकी थी जो शहरों के नाम से जानी जाती थी, जैसे ये 7 कलीसियाएं अपने शहरों के अपने नगरों के नाम से जानी जाती हैं। जी हाँ, तो ये जो है ये समय है, 7 समय प्रकट किए गए हैं, या 7 युग प्रकट किए गए हैं, या ये 7 समय काल है, और हर एक समय काल में प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे रहा है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी बात हर एक समय काल के लोगों से बातचीत कर रहा है, और वो बता रहा है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या नहीं है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये आगे हम लोग उस कलीसिया के बारे में जब पढ़ेंगे तो सीखेंगे। अब हम बात करते हैं जो पांव तक का वस्त्र पहने हैं और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए हैं। तीसरा और चौथा जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को देखेंगे, जो पांव तक वस्त्र पहने हैं और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। जब आप पढ़ेंगे याजक के वस्त्र के बारे में, जब आप पढ़ेंगे
परमेश्वर का वचन जब आप पढ़ाता है, मैं सब कुछ पढ़ूंगा नहीं क्योंकि बहुत मटेरियल है, बहुत सी चीजें हैं, हमारा बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा ताकि आप पढ़ लें अपने घर पर आराम से। निर्गमन 39:1-7 तक, निर्गमन 28:1-14 तक, और निर्गमन 39:8-21 तक, निर्गमन 28:15-30 तक, निर्गमन 39:22-31 तक, निर्गमन 28:31-43 तक। देखिए निर्गमन 39:1-7 और निर्गमन 28:1-14 पद को जब आप पढ़ेंगे तो एपोथ के बारे में लिखा है। एपोथ जो था वो यहां पर सीने पे लगाया जाता था। और फिर निर्गमन 39:8-21 और निर्गमन 28:15-30 पढ़ेंगे तो वहां पर सीना बंद या चापरस के बारे में लिखा, जैसे हमने लिखा यहां पर चौथा पॉइंट है ना, छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था, इसके बारे में जो है यहां पर छाती पर सोने का, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और फिर निर्गमन 39:22-31, निर्गमन 28:31-43 तक में जब आप पढ़ेंगे तो अन्य राजकीय वस्त्र जैसा बागा वगैरह है, यहां लिखा ना जो पांव तक का वस्त्र पहने हुए था वो, उसको बागा कहते हैं उस वस्त्र को। जब आप इन पदों को पढ़ेंगे तब वहां पर जो है वो याजक के पद के बारे में दिया गया है। अब यहां प्रकाशित वाक्य 1:13 पद को जब आप पढ़ेंगे तो यहां प्रभु यीशु मसीह वैसे ही वस्त्र पहने हैं जैसे याजक लोग पहनते थे। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह क्या है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है। देखिए ये महायाजक और याजकों के वस्त्र हुआ करते थे, परमेश्वर का वचन कहता है। मैं सारे रेफरेंस तो नहीं पढ़ूंगा परंतु उनकी डिटेल जो है वो आपको बता दूंगा कि वहां पर क्या चीज लिखी है। जैसे आप इब्रानियों की पत्री 8:1-2 पद पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह के लिए जो लिखा हुआ है कि हमारा जो महायाजक है वो प्रभु यीशु मसीह को कहा गया है। जी हाँ, हमारा जो महायाजक है, इसलिए जो वस्त्र आप उसको पहने हुए प्रकाशित वाक्य 1:13 पद में देख रहे हैं कि वो जो वस्त्र पहने वो महायाजक पहनते थे और वो महायाजक का वस्त्र हुआ करता था। और खास तौर से जो चापरस वगैरह है वो जो लगाई जाती थी, इसके बारे में मैं अभी बताऊंगा, वो महायाजक का वस्त्र हुआ करता था। जब आप इब्रानियों 7:17 पद पढ़ेंगे तो यहां पर देखिए, मैं सिर्फ पॉइंट पढ़ रहा हूं, पूरा पद नहीं पढ़ रहा हूं। तू मलकीसिदक की रीति पर युगान युग याजक है। मलकीसिदक जब आप पढ़ेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे मलकीसिदक के बारे में, तो वो मलकीसिदक के बारे में है जो सदोम का राजा था और परम प्रधान ईश्वर का याजक भी था। वो देखिए उसके मलकीसिदक की याजक क्यों, हारून के उस पर क्यों नहीं कहा गया है? देखिए ध्यान दीजिएगा, मलकीसिदक के रीति पर वो याजक ठहरा यीशु मसीह। क्यों ठहरा? क्योंकि मलकीसिदक का ना तो आदि है और ना अंत है। यीशु मसीह का भी अगर ईश्वरीय रूप की बात करते हैं, अगर ईश्वरीय बात करते हैं, उसके ईश्वर होने की बात करते हैं, तो उसका ना आदि है और ना अंत है। ठीक है, जैसा मलकीसिदक एक राजा भी है और वो याजक भी है, ऐसे यीशु मसीह के बारे में भी कहा जाता है। आप प्रकाशित वाक्य को भी जब आप पढ़ेंगे तो वो वहां लिखा है कि वो याजक भी है, जैसे हमने इब्रानियों में पढ़ा वो याजक भी है। और प्रकाशित वाक्य पुस्तक को पढ़ेंगे वो प्रभु का प्रभु और राजाओं का राजा भी है, वो याजक भी है और राजा भी। इसीलिए उसको मलकीसिदक की रीति पर याजक करार दिया गया है, हारून के उस पर नहीं दिया गया, क्योंकि हारून का आदि भी है और अंत भी है, और हारून जो था वो महायाजक था, वो जो था राजा नहीं था। ये बहुत सी चीजें हैं, ये समझने की बातें जो हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इनको समझना हमारे लिए। जब आप भजन संहिता 110 और उसका 4 पद पढ़ेंगे, देखिए मैं पॉइंट पढ़ रहा हूं सिर्फ, तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। ये भविष्यवाणी जो है, देखिए दाऊद करता है भविष्यवाणी, किसके लिए कर रहा है? वो भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए कर रहा है। ये बात जो है मलकीसिदक की रीति पर सदा के लिए है, सदा हमेशा के लिए जो है वो याजक रहा है, और प्रभु यीशु मसीह जो है हमारा वो महायाजक है। ठीक है, जब हम बात करते हैं वस्त्रों की, जब निर्गमन 28:6-13 पद पढ़ेंगे, एक एपोथ जो था वो सोने का और नीले बैंजनी लाल रंग के कपड़े का बनाया जाता था, और सोने के मतलब सोने का जो बारीक तार होता था उससे जो है वो बनाया जाता था, और उसमें सुलेमानी जो है वो मड़ी जो थी उनमें रखी जाती थी, और उन मड़ियों पर जो है
एक दो मणि रखी जाती थी, सुलेमानी मणि होती थी, और उन मणियों पर एक मणि पर छह नाम खुदे होते थे और दूसरी मणि पर छह नाम होते थे, और ये 12 नाम जो थे, जो छह छह नाम होते थे, ये इसराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे होते थे। जी हाँ, इसराइलियों के 12 गोत्र के नाम लिखे जाते थे। अब सीने बंद पे पट्टू का, जो छाती पर पट्टू का बांधे हुए प्रकाशित वाक्य 1:13 में अभी हमने पढ़ा, उसके बारे में देखें। सीना बंद जो है, ये एपोद और ये सीना बंद, ये एक साथ जुड़े होते थे और ये याजक की छाती पर होता था और इसका बड़ा काम होता था, जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जी हाँ, यहां पर क्या है, जब आप निर्गमन 28:1-30 पढ़ेंगे तो सीनाबंद, जिसको चापरस या पटुका कहते हैं, ये न्याय की चापरस कहलाई जाती थी। जी हाँ, न्याय की चापरस, और ये भी सोने के तार से और नीले, बैंगनी और लाल रंग के सनी का जो कपड़ा होता था, उससे ये चापरस तैयार की जाती थी, और इस चापरस में 12 खाने होते थे। जी हाँ, और 12 खानों पर 12 प्रकार के मणि जड़े होते थे, और हर एक मणि पर जो था, इज़राइल के गोत्रों के जो थे उनके नाम लिखे होते थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं ताकि आप समझ जाएं कि 12 प्रकार के मणि कौन से होते थे। पहली पंक्ति में यानी तीन खाने बने होते थे, तो ऐसे 4 खाने बने होते थे और 12 खाने होते थे। पहली पंक्ति में मणिक्य, पद्मराग, लालड़ी, दूसरी पंक्ति में मरकत, नीलमणि, हीरा, तीसरे में लश्यम, सूर्यकांत, नीलम, चौथी में फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब। ये जो 12 मणि थे, ये वो चापरस से पर जो 4 खाने बने होते थे उसके ऊपर जो थे वो रखे जा टाके गए थे, मतलब उनमें लगाए गए थे, और उनके ऊपर जो था वो उनके इसराइलियों के गोत्र के जो नाम थे वो लिखे गए थे। और उस चापरस के अंदर, देखिए ध्यान दीजिएगा, उस चापरस के अंदर जैसे मैंने बताया 2 मणि जो थे सुलेमानी, 2 मणि थे, और एक पर 6 नाम और एक पर 6 नाम, यानी इज़राइल के 12 गोत्रों के नाम दोनों मणियों पर लिखे हुए थे, एक पर 6, एक पर 6, और उन मणियों को जो है चापरस के अंदर रखा जाता था। ये तब रखा जाता था, और वो भी महायाजक रखता था जब परमेश्वर से कुछ पूछने जाना होता था, जब परमेश्वर के से कुछ जानना होता था, तब ये जो थे ये 2 मणि रखे जाते थे। और इन मणियों के नाम थे, जी हाँ, इन 2 मणियों के नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। इनका नाम था उरीम और तुमीम, ये 2 नाम थे, और इनका जो अर्थ था जो, और ये सिर्फ महायाजक पहनता था। देखिए मैंने जैसा बताया, यहोवा से जब पूछना होता था तो वे चापरस जो था और मणियों के साथ जाता था, और वो मणियां क्या करते, जब परमेश्वर के सामने खड़े होते थे, अब आप कहोगे मणियां कैसे, तो वो शाइनिंग करने लगते थे, चमकने, अगर जो ओरिम था, अगर परमेश्वर हाँ कहता था तो वो चमकता था, अगर नहीं होता था तो दूसरा वाला जो था वो चमकता था। देखिए ओरिम का मतलब होता है प्रकाश, यानी ज्योतियों के पिता की ओर से जो मिलता है। जी हाँ, पहले हम इसको पढ़ लेंगे कि उसका ओरिम का मतलब होता था प्रकाश। याकूब 1:17 पद में लिखा हुआ है, जी हाँ यहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। जी हाँ, ये इसका मतलब, उरीम का मतलब प्रकाश होता था, और जब परमेश्वर को कोई बात बतानी या कहनी होती थी तो वो महायाजक जब जाता था चापरस के अंदर उस मणियों को रखकर, तो वो शाइनिंग करने लगते थे, चमकने लगते थे उसका, और ये ज्योतियों के पिता के कारण, जो ज्योतियों का पिता है वो परमेश्वर को दर्शाया गया है यहां पर। और दूसरा जो था तुमीम का जो मतलब है, तुमीम का मतलब होता है पूर्णता, यानी परफेक्ट जो है वो है। और ये बात जो है ये किसके लिए कहा गया है, चलिए इसको भी पढ़ देंगे, कुलुसियों 2:9 पद में, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता साधे वास करती है, ये यीशु मसीह के, यानी सारी परिपूर्णता। ये दोनों मणि जो थे, उरीम और तुमीम जो है, ये परमेश्वर के जो ज्योतियों का पिता है, परमेश्वर के प्रकाश को, परमेश्वर की ज्योति को प्रकट करता है कि हाँ प्रकाश में क्या बात हो रही है, क्या नहीं हो रही है। और जो पूर्णता है, परिपूर्णता, यानी उस बात को कहने का मतलब होता है कि
परिपूर्णता से जो बात कही गई है, ये बात जो है ये परिपूर्ण है, और इस बात पर जो है परमेश्वर अपनी मोहर लगाता है। और ये सारी परिपूर्णता किसको दर्शाता है? देखिए, उरीम जो है वो परमेश्वर को का प्रगटीकरण है, और जो तुमीम है वो प्रभु यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। यानी ईश्वर की सारी जो परिपूर्णता है वो यीशु मसीह में शरीर समेत जो है वो वास करती है। आपने देखा मेरे प्यारे भाइयों बहनों कि कितना मतलब रहस्य जो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में छुपा हुआ है। इन मणियों के क्या अर्थ है, क्यों परमेश्वर ने ऐसा करा, ये सारी चीज जो है यीशु मसीह के महायाजक पद होने को जो है वो दर्शाया जाता है। जो बागा जो वो पहने हैं ऊपर से लेके नीचे तक, वो याजक का वस्त्र होता था, और वो याजक और महायाजक दोनों पहनते थे, और वो पूरा ऊपर से लेके और एड़ी तक जो था वो बागा जिसको बोलते हैं कि बागा कहलाया जाता था। आज जो है, आज की डेट में आप गाउन कह लीजिए, जो पादरी लोग वो गाउन पहनते हैं, और खासतौर से हमारे कैथलिक जो प्रीस्ट होते हैं वो अंदर पूरा सफेद गाउन पहनते हैं, ऊपर वो छोटे वाले जो सफेद गाउन जो अंदर पहनते पूरा एड़ी तक जो पहनते हैं और यहां तक लगा रहता है उसको बागा बोलते हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र जो था वो प्रभु यीशु मसीह पहने हुए है। और चापरस, न्याय की चापरस जो कहलाई जाती थी वो न्याय की चापरस कहलाई जाती थी। इसका मतलब क्या है, यीशु मसीह हमारा महायाजक है, और वो न्याय जो है वो उसके हाथ में है, और वो ईश्वर की ओर से जो परफेक्ट न्याय है जो है वो न्याय करेगा, और सारी परिपूर्णता उसके अंदर वास करती है, और वो ज्योतियों का पिता भी है। जी हाँ, यीशु मसीह को भी जब प्रकाशित वाक्य 8:12 पढ़ेंगे तो वहां लिखा है यीशु मसीह जगत की ज्योति है। दोनों चीजें जो हैं, दोनों हीरो का काम जो है, उरीम और तुमीम का जो काम है वो प्रभु यीशु मसीह कर रहा है। अभी और भी इसके रहस्य हैं और इसको जानेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के जो रहस्य हैं और जो ब्लेसिंग्स है वो इसके द्वारा परमेश्वर मुझ तक, हमारे परिवार तक, आप तक और आपके परिवार तक पहुंचा रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।